अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम। तो बच्चों, आज हम ज्योग्राफिया का सबक नंबर 4 आबोहवा का पार्ट 1 करेंगे, जिसके सवालात व जवाबात को हल करेंगे। तो चलते हैं आगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे पेज नंबर जो है ये 25 है, और यहाँ पर ये सबक नंबर 4 आबोहवा है, और यहाँ पर इसके 13 सवालात हैं। आप इसी पेज पर आप देख सकते हैं, इन सभी सवालातों को हम जवाबात के साथ आपको अगले पेज से देते हैं। तो यहाँ पर 25 सिफा दर्सी किताब का ये शक्ल 4.1 और 4.2 को गौर से देखिए, और दर्जे ज़ेल सवालों के जवाबात लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, सवाल 1 है कि नक्शे में मसावी हरारती खतूत के लिहाज से ब्राजील का औसत दर्जा हरारत कितना है। तो जवाब है कि नक्शे में मसावी हरारती खतूत के लिहाज से ब्राजील का औसत दर्जे हरारत 18 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस है। सवाल 2, ब्राजील के किस हिस्से में बारिश ज्यादा होती है। तो जवाब, ब्राजील के दरियाए अमेजोन की वादी में बारिश ज्यादा होती है। सवाल 3, ब्राजील के तरफ कौन कौन सी सिमतों से हवाएं आती हैं। तो जवाब, ब्राजील के तरफ शुमाली, मशरिकी और जुनूबी मशरिकी सिमतों से हवाएं आती हैं। सवाल 4, इसकी क्या वजूहात होंगी। तो अगले पेज पे इसका जवाब देखते हैं। यहाँ देखिए, ब्राजील की तरफ मुख्तलिफ सिमतों से आने वाली हवाओं की वजह क्या है। तो इसका जवाब का पहला पॉइंट, ब्राजील के शुमाली हिस्से से खते अस्तवा गुजरता है। खते अस्तवा के करीब कम दबाव का पट्टा तश्कील पाता है। पॉइंट 2, खते अस्तवा के करीब के हिस्से में शुमाली निस्फ कुर्रा और जुनूबी निस्फ कुर्रा की ज्यादा दबाव वाले पट्टे से हवाएं चलने लगती हैं। पॉइंट 3, ब्राजील में खते अस्तवा के शुमाली हिस्से में शुमाली मशरिकी सिमत से मशरिकी हवाएं बहती हैं। पॉइंट 4, ब्राजील में खते अस्तवा के जुनूबी हिस्से में जुनूब मशरिकी सिमत से मशरिकी हवाएं चलने लगती हैं। इस तरह ब्राजील की तरफ मुख्तलिफ सिमतों से हवाएं चलती हैं। सवाल 5, ब्राजील की हवाओं को किस रुकावट का सामना होता है। जवाब, ब्राजील की हवाओं को अजीम चट्टान और ब्राजील की बुलंद जमीन की रुकावट का सामना होता है। सवाल 6, ब्राजील की अजीम अमूदी चट्टान और ब्राजील की बुलंद जमीन की रुकावट का सामना करने वाली हवाओं से किस किस्म की बारिश होती है। तो जवाब, ब्राजील की अजीम अमूदी चट्टान और ब्राजील की बुलंद जमीन की रुकावट का सामना करने वाली हवाओं से मजाहमती बारिश होती है। सवाल 7, इन हवाओं का और बारिश का बाहमी ताल्लुक जोड़िए। तो यहाँ पर देखिए, ब्राजील की अजीम अमूदी चट्टान और बुलंद जमीन से रुकावट का सामना करने वाली हवाओं और ब्राजील की बारिश के दरमियान का ताल्लुक बयान करना है। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि जुनूबी बहरे ओकियानूस से शुमाली मशरकी और जुनूबी मशरकी सिमतों से आने वाली आबी बुखारात से लदी हवाओं के रास्ते में अजीम उमूदी चट्टान और ब्राजील की बुलंद जमीन रुकावट बन जाती हैं। पॉइंट 2, इस वजह से ये हवाएं इनसे टकरा कर ऊपर की तरफ जाती हैं। पॉइंट 3, बुलंदी पर सर्द हवा की वजह से इनमें अमल तकफीसिफ होता है और मजाहमती बारिश होती है। अजीम उमोदी चट्टान और बुलंद जमीन की हवाओं वाली सिमत में बारिश ज्यादा होती है। पॉइंट 4, इनकी अकब में साये बारह का इलाका वजूद में आता है। सवाल 8, ब्राजील के किस हिस्से में औसत दर्जे हरारत कम है। तो जवाब, ब्राजील के पैरागोए, पैराना दरियाओं की वादी के हिस्से में औसत दर्जे हरारत कम है। सवाल 9, ब्राजील में साये बारह का इलाका पहचानिए, वहाँ की आबो हवा की कैफियत बताइए। तो जवाब, ब्राजील के शुमाली मशरिकी हिस्से में साये बारह का इलाका पाया जाता है। इस इलाके में सालाना औसत बारिश का तनासुब 0 से 500 मिलीमीटर के दरमियान होता है। यहाँ सालाना औसत दर्जे हरारत 23 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस होता है। सवाल 10, ब्राजील के किस हिस्से में दर्जे हरारत ज्यादा है। जवाब, ब्राजील में खत्ते अस्तवा के करीब के इलाकों का दर्जे हरारत ज्यादा है। सवाल 11,
अरुजुल बलद के लिहाज से ब्राजील के किस इलाके में मुंतकय मुतादला की आबो हवा होगी? तो जवाब, अरुजुल बलद के लिहाज से ब्राजील में खते जद्दी के जुनूब में इंतहाई जुनूबी इलाके में, यानी ब्राजील के अजीम उमूदी चट्टान और ब्राजील के बुलंद जमीन के जुनूब के इलाके में मुंतकय मुतादला की आबो हवा होगी। सवाल 12। 0 डिग्री से 5 डिग्री शुमाली और जुनूबी पट्टों के हवाओं के बहाव की कैफियत कैसी होगी? तो जवाब, 0 डिग्री से 5 डिग्री शुमाली पट्टे में हवाओं के बहाव की कैफियत शुमाली मशरिक की सिमत से खते अस्तवा की जानिब और 0 डिग्री से 5 डिग्री जुनूबी पट्टे में हवाओं के बहाव की कैफियत जुनूबी मशरिक की सिमत से खते अस्तवा की जानिब होगी। सवाल 13। नक्शे में किस तरीके से तकसीम जाहिर की गई है? तो जवाब, नक्शे में ब्राजील में औसतन सालाना दर्जे हरारत दिखाने के लिए मसावी कदर का तरीका और औसत बारिश दिखाने के लिए यहाँ पर इसका तरीका इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर बच्चों देखें कि पेज नंबर 26 पर सवाल 9 है। यहाँ पर आप गिन के देखेंगे, सभी सवालों के जवाब हम आगे से देते हैं सवालों के साथ। तो पहला है कि यहाँ पर कि भारत में 4000 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश वाले इलाके कौन से हैं? तो जवाब, भारत के मगरबी साहिल का जुनूबी इलाका और भारत का शुमाली मशरकी इलाका 4000 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश के इलाके हैं। सवाल 2, भारत के सबसे कम और सबसे ज्यादा दर्जे हरारत वाले इलाके कौन से हैं? तो जवाब, भारत में थार का रेगिस्तान और जजीरे नुमा सबसे ज्यादा दर्जे हरारत वाले इलाके और कोहे हिमालय का इलाका सबसे कम दर्जे हरारत वाला इलाका है। सवाल 3, भारत की किस सिमत में दर्जे हरारत बढ़ता जाता है? जवाब, भारत के जुनूबी सिमत में दर्जे हरारत बढ़ता जाता है। सवाल 4, भारत में चलने वाली हवाओं की सिमत बताइए, इन हवाओं के नाम क्या है? तो जवाब देखें कि भारत में चलने वाली हवाओं की सिमत जुनूब मगरिब से शुमाल मशरिक की तरफ है। जुनूब मगरिबी हवाओं को मौसमी हवाएं मानसूनी हवाएं कहा जाता है। सवाल 5, भारत में किन हवाओं के सबब बारिश होती है? तो जवाब, भारत में खुसूसन जुनूब मगरिबी मौसमी यानी मानसूनी हवाओं के सबब बारिश होती है। सवाल 6, राजस्थान के कुछ हिस्सों में रेगिस्तान नजर आता है, इसकी क्या वजह होगी? तो जवाब, राजस्थान में कोहे एरावली के एक जानिब सायबारा का इलाका है जिसके ऊपर से राजस्थान के कुछ हिस्सों में रेगिस्तान नजर आता है। सवाल 7, भारत के शुमाली हिस्से में किस किस्म की आबो हवा पाई जाती है? तो जवाब, भारत के शुमाली हिस्से में मुतदल आबो हवा पाई जाती है। मुतदल यानी न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडी। तो यहाँ पर सवाल 8, भारत से गुजरने वाला और दर्जे हरारत पर असर डालने वाला अहम अर्ज़ेल बलद कौन सा है? तो जवाब, भारत से गुजरने वाला और दर्जे हरारत पर असर डालने वाला अहम अर्ज़ेल बलद खते सरतान है। यहाँ पर सवाल 9, भारत की जजीरे नुमा सतह मुर्तफा के किस हिस्से के वस्त में नीम खुश्क हालत पाई जाती है और इसका सबब क्या है? तो जवाब, भारत के जजीरे नुमा सतह मुर्तफा के मगरबी घाट के मशरकी हिस्से के वस्त में नीम खुश्क हालत पाई जाती है। ये हिस्सा मगरबी घाट का साहिबारा का इलाका होने की वजह से यहाँ पर नीम खुश्क हालत पाई जाती है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे पेज नंबर पे यहाँ पर इसके क्वेश्चन 5 है। तो इसके सभी सवालों के जवाब हम आपको बारी बारी से देते हैं। तो यहाँ पर देखिए पेज नंबर 27 की शक्ल 4:4 का मुताला कीजिए और दर्जे जेल सवालों के जवाब लिखिए। तो सवाल पहला, मिनास बेलियम पुर्तो एलिगरे और रिवदुरी जानेरियो इन शहरों में किन महीनों में दर्जे हरारत सबसे ज्यादा होता है? तो जवाब, मिनास शहर में अगस्त से अक्टूबर तक के महीनों में और बेलियम शहर में जून से दिसंबर तक के महीनों में, पुर्तो एलिग्रे शहर में जनवरी और फरवरी के महीनों में और रियो डी जानेरियो शहर में फरवरी महीने में दर्जे हरारत सबसे ज्यादा होता है। सवाल 2, मिनास बेलियम पुर्तो एलिग्रे और रियो डी जानेरियो इन चारों शहरों में ज्यादा बारिश किन महीनों में होती है? तो जवाब, मिनास शहर में मार्च के महीने में, बेलियम शहर में मार्च के महीने में,
पुर्तो एलिग्रे शहर में अगस्त और सितंबर के महीने में और रिवी दी जानेरियो शहर में दिसंबर, जनवरी और मार्च के महीनों में सबसे ज्यादा बारिश होती है। यहाँ सवाल तीन, ब्राजील में बारिश के मौसम का अरसा कौन सा है? तो जवाब, ब्राजील के अलग अलग इलाकों में बारिश के मौसम का अरसा अलग अलग है। आमतौर पर सितंबर से नवंबर और मार्च से मई तक का अरसा बारिश का मौसम होता है। तो सवाल चार, मिनास, बेलियम, पुर्तो एलिग्रे और रिव दी जानेरियो, इन चारों में किस शहर का आबो हवा का तफावत सबसे ज्यादा है और कितना है? तो जवाब, मिनास, बेलियम, पुर्तो एलिग्रे और रिव दी जानेरियो, इन चारों शहरों में मिनास शहर की सालाना औसत दर्जे हरारत का तफावत सबसे ज्यादा है। मिनास शहर के सालाना औसत दर्जे हरारत का तफावत तकरीबन अकल 23 डिग्री सेल्सियस से आजम 33 डिग्री सेल्सियस है। सवाल पांच, रिव दी जानेरियो शहर में अमूमन किस किस्म की आबो हवा होगी? तो जवाब, रिव दी जानेरियो शहर में अमूमन मरतूब किस्म की लेकिन निस्बतन मौददल आबो हवा होगी। यहाँ पर बच्चों देखें, ये पेज नंबर दर्सी किताब का 28 है, इस पर 7 सवाल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके जवाब की तरफ हम चलते हैं, जहाँ पर सवाल भी पढ़ेंगे और आपको जवाब भी देंगे। यहाँ पर देखिए, सवाल पहले का ये जवाब है, चेन्नई और बकिया भारत के बारिश के अरसे में आपको क्या फर्क नजर आता है और क्यों? तो जवाब का पहला पॉइंट, भारत के बेशतर इलाकों में उमूमी तौर पर जून तक सितंबर महीनों में बारिश होती है। पॉइंट टू, चेन्नई में अमूमी तौर पर मई तक दिसंबर के 7-8 महीनों में बारिश होती है। पॉइंट थ्री, जुनूबी भारत में जुनूब मगरबी मौसमी हवाओं और शुमाल मशरकी मौसमी हवाओं के सबब बारिश होती है। फोर पॉइंट, मानसून वापसी की बारिश की वजह से भारत के बकिया इलाकों के मुकाबले में चेन्नई में मई तक दिसंबर के 7-8 महीने के अरसे में बारिश होती है। सवाल दो, दिल्ली और कोलकाता के दर्जे हरारत के लिए तरसीबी खत के खम में क्या यकसानियत पाई जाती है? तो जवाब, दिल्ली और कोलकाता, इन दो शहरों के दर्जे हरारत के तरसीमी खत के खम में दर्जे ज़ेल यकसानियत पाई जाती है। तो पॉइंट वन में है कि दोनों शहरों के दर्जे हरारत के आजम और अक्ल खम की ऊंचाई अमूमन जनवरी और मई के अरसे में बढ़ती जाती है। पॉइंट टू, दोनों शहरों के दर्जे हरारत के आजम और अक्ल खम की ऊंचाई अमूमन अगस्त से नवंबर के अरसे में कम हो जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे, सवाल तीन, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, इन चार शहरों के औसत आजम और अकले दर्जे हरारत के मदारज निकालिए। तो जवाब का वन पॉइंट, दिल्ली शहर के औसत आजम और अकल दर्जे हरारत के मदारज अकल 6 डिग्री सेल्सियस से आजम 41 सेल्सियस है। यहाँ पे पॉइंट टू, कोलकाता शहर के औसत आजम और अकल दर्जे हरारत की मदारज अकल 9 डिग्री सेल्सियस से आजम 37 डिग्री सेल्सियस है। पॉइंट थ्री, मुंबई शहर के औसत आजम और अकल दर्जे हरारत की मदारज अकल 16 डिग्री सेल्सियस से आजम 34 डिग्री सेल्सियस है। पॉइंट फोर, चेन्नई शहर के औसत आजम और अकल दर्जे हरारत के मदारज अकल 21 डिग्री सेल्सियस से आजम 39 डिग्री सेल्सियस है। पॉइंट फोर, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, इन चार शहरों में से किसके दर्जे हरारत का तफावत कम है? तो इस पर से आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं? तो जवाब, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, इन चार शहरों में चेन्नई के दर्जे हरारत का तफावत सबसे कम है। इससे ऐसा मालूम होता है कि वहाँ की आबो हवा मौददल है। पॉइंट पाँच, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, इन चार शहरों में से किसकी दर्जे हरारत का तफावत ज्यादा है और इस पर से आबो हवा के बारे में हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं? तो जवाब, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, इन चार शहरों में से दिल्ली शहर के दर्जे हरारत का तफावत ज्यादा है और इस पर से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की आबो हवा गैर मौतदल है। पॉइंट छः,
सवाल छह, मुंबई के दर्जे हरारत और बारिश के लिहाज से आप वो हवा का अंदाजा लगाइए। तो जवाब, मुंबई शहर के औसत आजम और अक्ल दर्जे हरारत की मदारज अक्ल 16 डिग्री सेल्सियस से आजम 34 डिग्री सेल्सियस है। मुंबई शहर में बारिश का तनासुब जून में तकरीबन 45 डिग्री मिलीलीटर और जुलाई में तकरीबन 72 डिग्री मिलीलीटर है। इसका मतलब ये है कि मुंबई की आबोहवा अमूमन गर्म मरतूब होती है। सवाल आठ, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, इन चार शहरों के मुतदल और गैर मुतदल आबो हवा में दर्जेबंदी कीजिए। तो जवाब, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, इन चार शहरों की मुतदल और गैर मुतदल आबो हवा के लिहाज से दर्जाबंदी इस तरह है। अलिफ, मुतदल आबो हवा के शहर, तो पहले में है मुंबई और दूसरा चेन्नई। अब्बा में गैर मुतदल आबो हवा के शहर, तो पहला है दिल्ली और दूसरा है कोलकाता। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ज्योग्राफी का सबक नंबर चार का सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो खत्म हुआ। तो उम्मीद करती हूँ आपको सभी समझ में आए होंगे। तो बच्चों, अगर आपको मेरा लेसन पढ़ाना अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को तो बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। तो बताइए कि मैंने कैसे आपको पढ़ा रही हूँ। तो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।